दोस्तों एक कहानी है कुछ समुद्री पायरेट्स की, जिन्हें समुद्र के एक बड़े खजाने के बारे में पता चलता है और वो सभी खजाने को ढूंढने निकल पड़ते हैं। मगर इसी बीच कुछ और सैनिक भी उस खजाने को ढूंढने निकलते हैं। अब कौन समुद्री मुश्किलों को पार करके उस खजाने को पाएगा, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हमें कोरिया के एक राज्य गोरियो को दिखाया जाता है, जिस पर दुश्मनों ने हमला कर दिया था। गोरियो राज्य अब हार चुका था, इसीलिए उनका सेनापति अपने जहाज में भरकर समुद्र में जाकर कहीं छुपा देता है ताकि ढूंढ पाए। अब कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहां हम कुछ चोरों को देखते हैं जिन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और इनका सरदार वोमुची अब मरने का इंतजार करने लगता है। तभी उनके सामने एक लड़की हैरंग आती है। वोमुची कहता है कि मौत की देवी इतनी खूबसूरत है, पता होता तो कब का मर चुका होता। मगर मौत की देवी वोमुची को मारकर उठाती है। दरअसल हैरंग समुद्री पायरेट्स की कप्तान थी और उसने वोमुची और उसके साथियों को अब बचा लिया है। अब 3 महीने बीत चुके हैं। हैरंग वोमुची के साथियों से यहाँ मछलियाँ पकड़वा रही थी। तभी एक आदमी जिसका नाम माकी होता है, वो कहता है कि ये लुटेरों का जहाज है या मछली पकड़ने वालों का, हम बस मछली ही पकड़े जा रहे हैं। वो गुस्से में आकर एक मछली फेंक देता है। तभी हैरंग ये देखती है और उसके साथियों पर भड़क जाती है। हैरंग का फर्स्ट मेट बुड्ढा वोमुची के आदमियों को डांटने लगता है। तभी वोमुची उन्हें अपनी तरफ बुलाता है। ये देखकर वो फर्स्ट मेट उन्हें अपनी तरफ आने के लिए कहता है। वोमुची और फर्स्ट मेट में यहाँ आपस में कॉम्पिटिशन होने लगता है। तभी इन्हें समुद्र में एक जहाज दिखता है। ये देखकर ये सभी उस जहाज के पास जाकर उसे पकड़ लेते हैं। वोमुची इनकी कप्तान हैरंग से कहता है कि मैं गोरियों का सबसे बड़ा तलवारबाज था, इसीलिए मैं अकेले ही इनसे लड़ लूंगा। लेकिन ये सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। तभी वोमुची ऊपर चढ़ जाता है और हैरंग से कहता है, कप्तान मेरी जान, जाकर पार्टी की तैयारी करो। ये कहकर वोमुची दूसरे जहाज पर चला जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास तो तलवार ही नहीं है। वो अपने एक साथी से तलवार छीनता है, लेकिन उसके हाथ में मया नहीं आती है। अब वोमुची इन सबसे बचकर भागने लगता है। तभी हैरंग ये देखती है और उड़ती हुई जहाज पर आती है और इन सबको मारने लगती है। फिर वो वोमुची को एक हथियार देती है और हथियार हाथ में आते ही वोमुची सबसे कहता है, वो देखो सोने का महल। और फिर वोमुची इन सब पर हमला कर देता है। वोमुची कुछ ही पल में सबको ढेर कर देता है, जिससे हैरंग और सभी लोग समझ जाते हैं कि वोमुची एक अच्छा तलवारबाज है। अब ये सब दूसरे जहाज के लोगों को बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब ये उनके जहाज को लूटते हैं तो देखते हैं कि इनके पास तो सूखी मछलियों के सिवा कुछ भी नहीं है। फिर एक छोटा बच्चा इनसे कहता है कि हमें छोड़ दो, हम बस यहाँ खजाना ढूंढने आए थे। ये सुनकर हैरंग उससे पूछती है कि वो खजाना कहाँ पर है। इस पर वो बच्चा इन्हें मैप दिखाता है। फिर हैरंग और वोमुची उस मैप को देखते हैं। वोमुची बताता है कि ये तो गोरियों का खजाना है, जो कि उनके सेनापति ने समुद्र में कहीं छुपा दिया था। अब ये जानकर हैरंग अपने साथियों के साथ खजाना ढूंढने का फैसला करती है। फिर ये सब खजाना को ढूंढते हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। तभी वोमुची को एक बैल दिखती है। वोमुची कहता है कि मैं मछलियां खाकर पक चुका हूँ, इसलिए आज हम मीट खाएंगे। ये कहकर वोमुची उस बैल को पकड़ने जाने लगता है। मगर तभी बैलों का एक झुंड यहाँ आ जाता है और वो सभी बैल वोमुची को अच्छा और बेहतरीन मीट खिलाने ले जाती हैं। वो बैल वोमुची को एक बॉल बनाकर उछालती हैं, जिससे वोमुची ऊपर से नीचे गिर जाता है। इन सबको लगता है कि वोमुची मर गया। वोमुची के साथी कहते हैं कि भले ही हमारे सरदार डरपोक और घमंडी थे, लेकिन वो एक अच्छे सरदार थे। अब ये सब यहाँ से जाने लगते हैं। मगर तभी वोमुची, जो कि अब भी जिंदा था, वो ऊपर चढ़कर आता है और वोमुची के पास एक हाथी का दांत भी था। और उस दांत को देखकर हैरंग उसे छीन लेती है और कहती है कि यही खजाने तक पहुंचने का असली नक्शा है। हैरंग कहती है क्योंकि उस मैप पर भी एक हाथी का दांत बना हुआ था और इस हाथी के दांत पर एक मैप बना हुआ है, यानी कि अगला मैप यही हाथी का दांत है। अब हैरंग वोमुची और उसके साथियों से कहती है कि हम लोग पायलट्स हैं और तुम लोग चोर हो, इसीलिए अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो तुम्हें भी पायलट्स बनना होगा। वोमुची कहता है कि तुम्हारी बात यहाँ कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन वोमुची के साथी हैरंग की बात मानकर उसके साथ चले जाते हैं। अब वोमुची इस आइलैंड पर अकेला ही बचता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक और तलवारबाज युंगसुक को देखते हैं। उसके पास एक आदमी आता है जो कि कोरिया का राजा बनना चाहता था, लेकिन उससे भी बढ़कर उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था। इसीलिए ये तलवारबाज युंगसुक उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि वो खजाना कहाँ छुपा है, जो सालों पहले गोरियों के सेनापति ने छुपाया था। युंगसुक बताता है कि मैंने उसी गोरियों के सेनापति की पत्नी को ढूंढकर काफी टॉर्चर किया और उसके मुँह से उगलवा लिया कि वो खजाना कहाँ है। खजाने के बारे में जानकर ये आदमी अपने कुछ लोगों को युंगसुक को देता है और खजाना लाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हैरंग ने अपने जहाज को उसी आइलैंड के पास रोक रखा था ताकि वोमुची खुद ही उनके पास आ जाए, लेकिन वोमुची उनके पास नहीं आता। अब अगली सुबह एक आदमी भागता हुआ हैरंग के पास आता है और कहता है कि वोमुची वो हाथी का दांत चुरा कर ले गया है। अब ये जानकर हैरंग को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत ही उस आइलैंड पर आती है और वोमुची के पास आकर उसकी धुलाई करने लगती है। फिर वोमुची उसे शांत कराता है और सब सच बताता है और कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद यहाँ बुलाने आओ, इसीलिए मैंने उसी आदमी माकी के साथ मिलकर उस हाथी के दांत को चुरा लिया। लेकिन फिर माकी मुझे भी धोखा देकर हाथी का दांत मुझसे भी चुरा कर ले गया। अब ये सब जानकर हैरंग माकी को ढूंढने निकल जाती है। वहीं एक राज्य में माकी वोमुची बनकर उस हाथी के दांत को बेचने पहुंच जाता है। वो शाही परिवार के पास जाता है
लेकिन शाही परिवार अब इस राज्य पर राज नहीं करता था, मगर उनके पास अब भी खूब पैसा था। माकी उनसे कहता है कि ये दांत काफी कीमती है, इसीलिए आप इसे खरीद लीजिए। लेकिन अब तभी यहाँ पर हैरंग और वोमुची आ जाते हैं। वो लोग माकी को पकड़कर उससे वो दांत छीन लेते हैं। माकी के साथ यहाँ पर एक लड़की भी इस दांत को बेचने में लगी थी, इसीलिए वो सब माकी और उस लड़की दोनों को ही पकड़कर अपने जहाज पर ले आते हैं। मगर फिर वोमुची उस दांत को दोबारा से छीन लेता है। वोमुची हैरंग को वो दांत फेंकने की धमकी देता है और कहता है कि हाथी के दांत के बदले तुम मेरे साथियों को नहीं मारोगी। हैरंग मान जाती है और फिर वोमुची उसे वो दांत दे देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वोमुची अब हैरंग को पसंद करने लगा है। वोमुची उस पर लाइन मारता है, तभी उसकी एक लात पड़ती है और वो जाकर नीचे गिरता है। खैर अब इसके बाद ये सभी लोग दांत पर बने उस मैप को डिकोड करते हैं। वोमुची उन्हें मैप पढ़कर बताता है कि खजाना एक समुद्री गुफा में छुपा है, जहाँ जाने का रास्ता समुद्र के नीचे एक चट्टान से होकर जाता है और वहाँ समुद्र के नीचे एक नदी बहती है। लेकिन ये सुनकर एक आदमी कहता है कि हमें पागल समझ रखा है क्या, समुद्र के नीचे कोई नदी कैसे बह सकती है। मगर हैरंग